अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल पर होल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था और आपसे वादा किया था, मैं तमाम कॉलेजेस का, तमाम कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का आपको मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा, उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा और साथ साथ में आपको गाइड भी करूंगा किस तरह का पेपर आएगा। तो आज हम लोग फिजिक्स, अनीस हुसैन फिजिक्स का चैप्टर, मतलब के पहला पेपर है फिजिक्स का, ठीक है, क्लास 11, क्लास फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसके कुछ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आपको, मतलब के वो जरूर, मतलब कौन कौन से शॉर्ट और लॉन्ग इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स वही क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके पेपर्स में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन फौरन से पहुंच सके और आप आराम से मेरी वीडियो से आपको जो चीज चाहिए होगा, जैसे कि जितने भी पेपर्स चाहिए होंगे वो आप आराम से ऐड हो सकते हो और आपको मिल सकते हैं। इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और साथ साथ अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास शुरू शुरू में मेरा नंबर शो होगा, तो आप यह करना है मुझे उसमें मैसेज करना है, अपना नाम लिखना है, अपने क्लास का नाम लिखना है, क्या होगा उससे एक लिंक शो होगी जिसके अंदर फर्स्ट ईयर साइंस लिखा होगा, सेकंड ईयर साइंस, फर्स्ट ईयर कॉमर्स और फर्स्ट ईयर कॉमर्स लिखा हुआ होगा, सेकंड ईयर कॉमर्स लिखा हुआ होगा। अगर आप प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो फौरन आप साइंस वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, कंप्यूटर साइंस से भी बिलोंग करते हैं तो भी आपने साइंस में ही क्लिक करना है, अगर कॉमर्स से बिलोंग करते हैं देन आपने कॉमर्स से करना है। चलिए वक्त जाए किए बगैर इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑक्सिलरेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ फील्ड आर, बोथ फील्ड क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायरेक्ट ऑफ प्रोपोगेशन भी होता है, फिलहाल परपेंडिकुलर टू ईच अदर हमारे पास इसका सही होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, When to exactly and similar, मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर नजर आए, ठीक है। लिखा When to exactly and similar waves travel in a medium in opposite direction, they produce, वो प्रोड्यूस क्या करते हैं बेटे, स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का आपने क्या बताना है, डायमेंशन बताना है। तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला मालूम होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, L बराबर होता है mvr के बराबर होता है, आपको v के बारे में मालूम होता है, वेलोसिटी के डायमेंशन मालूम होता है, इन तमाम चीजों का डायमेंशन हमें मालूम होता है, हमारे पास क्या आंसर होगा, L स्क्वायर mt-1, ठीक है, इनवर्स 1, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू वक्त जाए कि बगैर जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ, इफ अ लाइट ऑब्जेक्ट कोलाइड इलास्टिकली विद मैसिव बॉडी विच इज एट रेस्ट, द लाइट ऑब्जेक्ट विल बी लाइट, अगर कोई आपके पास एक मैसिव, मतलब एक भारी आपके पास बॉडी है, उससे एक लाइट आपके पास वेट तो उससे कोलाइड होता है तो क्या होगा, तो रिबॉर्न हो जाएगा विद द सेम वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, वो वापसी हो जाएगा ना। फिर कहेगा हाउ मेनी मीटर्स विल अ 20 kg बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फॉल फ्रीली इन 1 second, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको तमाम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाऊं, एमसीक्यूज के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन ये वीडियोस में आपको सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से इसका आंसर होगा, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको तमाम चीजें सॉल्व भी करवाऊं। फिर आपके पास हमारे पास 6 MCQs आ जाते हैं, उसमें लिखा हुआ, इफ अ मैन गोज टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस, हिज वेट रिलेटिव टू द ऑन द अर्थ वुड बी 1/4 होगा, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन ये हमेशा आता है, इसको आपने अच्छे से देख लेना, ठीक है, मैं इसका पूरा ड्राइव भी करके बताऊंगा किस तरह से हो सकता है। लिखा हुआ, इंटरफेरोमीटर सेमी सिल्वर प्लेट इज यूज टू ऑब्टेन मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए यूज होता है। इसमें लिखा हुआ, इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है, तो बेटा ये हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज टाइम पीरियड टी, द टाइम टेकन बाय इट ट्रेवल फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन टू हाफ टू एम्पलीफाई एम्पलीट्यूड इज, तो इसका आंसर होगा बेटा हमारे पास, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी गलती की हुई है, टी अपॉन 12 होगा, क्या होगा, टी अपॉन 12 होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 × 2, तो 6 × 2 से क्या होता है 12 होता है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे, इसमें 12 आएगा, टी अपॉन 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन अ स्पेसशिप द आर्टिफिशियल ग्रेविटी, स्पेसशिप में आर्टिफिशियल ग्रेविटी किस तरह से प्रोड्यूस होता है हमारे पास, रोटेशन से, किस तरह से, रोटेशन से। इसमें ठीक हो जाएगा, द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग विद अ सर्किल इज, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंपल ये हो जाएगा 4π का स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर, ठीक है। लिखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज रिटन बाय इब्नुल हातिम, तो किसने लिखा था, कौन सी किताब लिखा था इन्होंने, तो इन्होंने किताबुल मनाजिर लिखा था, क्या लिखा था, किताबुल मनाजिर, तो इस पर टिक लगा देना है।
फिर क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 1.6 एक्सपोनेंट 2 इज एक्सपोनेंट स्क्वायर एक्सपोनेंट 2 बोल रहा है, तो क्या होगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, जीरो के बाद वाली चीजें नहीं गिनते, तो हमारे पास सिर्फ 1 और 6, ये हमारे पास दो है सिग्निफिकेंट नंबर्स, तो क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन कॉन्स्टिट्यूट, तो ये सिंपल सबसे आसान डेफिनेशन क्या होता है इसका, कपल का होता है, अकपल का। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं जल्दी से और उसमें देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये अक्सर और विस्तार आपके एमसीक्यूज में आ रहा होता है। लिखा हुआ है, इफ अ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 एंड 4 यूनिट एंड देयर रिजल्टेंट, क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, रिजल्टेंट ऑफ 5 यूनिट देन द एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर इज cos 0 होगा, तो क्या हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी इक्वल है 0 के, ठीक है इसको, ठीक है ए डॉट बी जो आपके पास है जीरो के और ए क्रॉस बी हमारे पास जीरो के, तो वो क्या होगा इनमें से कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा नन ऑफ डैम हो जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ फ्रिक्शनलेस प्लेन इन इंक्लाइन एट 30 विल बी, तो इसका हमारे पास आंसर होगा हमारे पास 4.9 होगा। इसका मैं सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरह से ये सॉल्व किया गया, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज का आंसर बता रहा हूं मैं, ठीक है। फ्रिक्शन, इसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फ्रिक्शन is a self-adjusting force remain constant, क्या रहता है हमेशा वो constant रहता है, तो हमारे पास क्या जाएगा remain constant आ जाएगा। a result of unbalanced force from a body move with, ठीक है तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर variable acceleration आ जाएगा इसका answer, when the angular velocity of a disc increase angular acceleration अल्फा एंड एंगुलर वेलोसिटी गैमा आर, ये दोनों क्या होगा एक दूसरे के, पैरेलल होगा नॉन पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा या नन ऑफ दिस होगा, नॉन पैरेलल परपेंडिकुलर तो दोनों सेम हो गया, तो इसके हिसाब से क्या होगा हमारे पास पैरेलल होगा। द एंगुलर स्पीड, क्या द एंगुलर स्पीड ऑफ अ सेकंड हैंड ऑफ वॉच इज, वो क्या होता है हमारे पास पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड, तो इसमें से इसमें कोई सा भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास नन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मान लेते हैं, हमारे पास लिखा हुआ था क्लॉक वाइज टॉर्क, क्या लिखा हुआ था, क्लॉक वाइज टॉर्क इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है नेगेटिव होता है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ हमारे पास, नेक्स्ट एमसीक्यूज है बहुत इंसान आसान एमसीक्यू, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, क्या होता है टॉर्क होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इफ वन मूव अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी, तो बेटा ये 4 तो नहीं होने वाला, ठीक है और ना ही 2 होने वाला है, ठीक है या तो 1/2 होगा या 1/4 होगा। तो सिंपल से हमारे पास फॉर्मूला होता है जी बराबर होता है जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ साथ, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा आपके पास जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो ये एच जो है वो बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास आर हो जाएगा। फिर इसको आप करके देख लेना, आपका सिंपल सा इसमें से निकल जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 1/4, ठीक है तो 1/4 जी आपके पास ठीक आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन लिखा हुआ है, हाउ मच हाइट डज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ अ मास 10 kg लूज इन 2 सेकंड, हमारे पास क्या होगा इसके बाद 19.6 होगा, इसको भी सॉल्व करना बताऊंगा। इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, हमारे डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है एम एल का स्क्वायर और टी इनवर्स होता है, टी इनवर्स 2 होता है, ठीक है मतलब -2 होता है। तो ये वाला इस फिलहाल इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं है वो वाला, तो आप क्या कर देना इसमें माइनस लगा देना, तो ताकि हमारे पास क्या हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ टू टर्निंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी इज 256 हर्ट्ज एंड 260 हर्ट्ज एंड साउंडेड टूगेदर द नंबर ऑफ बीट पर सेकंड विल बी, इसको निकालने का बहुत आसान तरीका क्या होता है, 256 को आप 260 से प्लस करोगे तो आपके पास 512 इस तरह का कुछ आएगा, उसको फिर आप डिवाइड कर दोगे 2 से, जो भी आंसर आएगा उसको आप 260 से क्या करोगे, आप उसे 260 से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा होगा कुछ इस तरह का -4 आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा -4। फिर जब इसका आप मॉड ले लोगे तो मॉड लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का 4 आ जाएगा। फिर से बता देता हूँ क्या करना होगा इसमें, 256 को 260 से आप क्या करना होगा प्लस करवाना होगा, जैसे ही प्लस करवाओगे उसको डिवाइड करवा दोगे 2 से, जो आंसर आएगा उसको 260 से माइनस करवाओगे तो क्या आएगा -4 आएगा, और उसका जब मॉड निकालो तो +4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा था। लिखा है पिच डिपेंड ऑन, पिच किसके ऊपर डिपेंड करती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी के ऊपर पिच डिपेंड करती है, तो आप फ्रीक्वेंसी पर टिक लगा देना।
उसके बाद क्या होगा, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ द मास ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल, ठीक है ये मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए बताए क्या लिखा हुआ है, इफ द मास ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डबल इट्स पीरियड विल बी रिमेन कॉन्स्टेंट, डबल हो कुछ भी हो आपका क्या होगा, रिमेन कॉन्स्टेंट होगा। न्यूट्रल रिंग सेंट्रल स्पॉट इज ऑलवेज डार्क, हमेशा डार्क होता है। और इसके बाद हमारे पास क्या आ गया है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, ये एमसीक्यूज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे बताइएगा इसका एमसीक्यूज आपके पास क्या होगा, ठीक है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, ये कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर मेरे पास क्या होगा। और आपके पास ये बता दो, इफ द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज 4 डायोप्टर्स व्हाट विल द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, क्या होगा फोकल लेंथ होगा 25, इससे रिलेटेड है तो मुझे देख के बताना, इसको सॉल्व करके बताना कि इसका क्या होगा हमारे पास आंसर, ठीक है। इसका आप आंसर बता देना ताकि कमेंट में बताना, ताकि मैं भी आप देखता हूँ आपने पूरी वीडियो देखी है कि नहीं देखी। उसके बाद कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, शो द फ्लोइंग फॉर्मूला डायमेंशनली, ठीक है डायमेंशनली आपको प्रूफ करना है, स्टेट द एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और फाइंड द एरिया ऑफ पैरेलोग्राम, ये आपके पास वो है क्या बोलते हैं वेक्टर का आपके पास एज अ वो है क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल्स है, ये भी ये आपके एट हाइट ऑफ एंगल मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल बिकम 1/3 ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको आपने प्रूफ करना है। साथ साथ ये वाला भी आ गया हमारे पास, सेंट्रीपेटल एस्केलेरेशन ड्राइव द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ ए सी 4π² r/t² डिफाइन द मोमेंटम विद मैथमेटिकल रिलेशन एंड यूनिट एंड ऑल्सो अप्लाइड द फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इम्पल्स, ठीक है आपको बताना है ये आपका नॉर्मल है, वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस रेडियस कन्वर्स 20, मतलब आपको इसको भी सॉल्व करना है, तमाम देख लीजिएगा। आपको मैं इसका पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सॉल्व किया हुआ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको कहीं जाने की भी जरूरत ना पड़े, आप आराम से इसे डाउनलोड कर दें। रिब्रेक्स लॉग एक्स रे डिफ्रेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयारी अच्छे से कीजिएगा। अर्थ ग्रेविटेशनल एंड फील इन द कन्वर्जेशन ऑफ फील, फिजिक्स का पेपर फर्स्ट ईयर का अगर आपने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा तो आपका पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जब मैंने फिजिक्स पढ़ा था तो मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे फर्स्ट ईयर में, आई थिंक 94 मार्क्स थे मेरे फिजिक्स में। तो मैंने भी क्या किया था, न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज्यादा मैंने कॉन्सेंट्रेट किया था और साथ साथ प्रेजेंटेशन को अपना अच्छे से अच्छा बनाया था। लॉन्ग सवाल देख लेते हैं, लॉन्ग सवाल में क्या आया हुआ है हमारे पास, लॉन्ग सवाल में हमारे पास आया हुआ है, डिफाइन द इलास्टिक कोलिजन टू नॉन रोटेटिंग स्फीयर्स ऑफ मास m1 जो हमेशा आते रहते हैं वो वाला है ये। हाउ कैन अ मैग्नीफाइंग ग्लास आर यूज इन एज अ सिंपल सिंपल माइक्रोस्कोप, ये भी वही चीज है, एक्सप्लेन द मैग्नीफाइंग पावर, ये भी बहुत दफा है। रे डायग्राम बनाने, कंस्ट्रक्शन वर्किंग करने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का और फॉर्मूला ही बताना है। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इसका पूरा करना है, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन उन्होंने दिया ही नहीं है, तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है मैं आस्ते आस्ते नीचे लेके इसलिए जा रहा हूँ ताकि आप तमाम क्वेश्चंस देख लें कौन कौन से हैं। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, पीडीएफ डाउनलोड करने का आसान तरीका क्या है, आपने जाना है लिंक पे क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी, ऊपर एक एरो का निशान होगा, उस एरो के निशान पे क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपके पास डाउनलोड हो जाएगी आराम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कीजिएगा और इसी तरह सपोर्ट करते रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने एक दूसरे का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।